हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रसाबली बनाने वाले हैं, जो कि पुरी में अवस्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां पर श्री जगन्नाथ भगवान जी के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं, उनमें से ये एक मिठाई है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हम गर्म दूध में विनेगर डालेंगे या फिर आप नींबू निचोड़ कर पहले दूध को फाड़ लीजिए। फिर इसको मैंने एक मशलिन क्लॉथ में एक जगह पर आधा घंटे के लिए रख दिया था। फिर क्या, इसको ऐसे अपनी हथेली की जो लास्ट वाला पार्ट होता है उससे अच्छे से इसको स्मूथ करना है। स्मूथ जब ये अच्छी तरह से हो जाए, एक स्पून टीस्पून के बराबर शुगर, एक टीस्पून मैदा ज़्यादा मत लीजिएगा, और एक पिंच बेकिंग सोडा कभी भी ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना ये ज़्यादा फूल जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद इसको हल्के हाथों से थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम एक होल बनाएंगे। बेसिकली हम जैसे मेदू बड़ा बनाते हैं, गोल गोल शेप देंगे, फिर इसको अपनी हथेली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्का सा, वरना ये फट जाएगा। तो फिर इसको नाइफ की मदद से एक ऐसा शेप देंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। इसको फ्राई करने के लिए एक छोटा सा बॉल डालेंगे, जब ये तेल में तैरने लगे तब हम हमारी एक एक करके जितने भी हमने बनाए थे छेना के बॉल्स उसको डाल देंगे। और तेल में डालने के बाद तेल का टेम्परेचर हमेशा लो टू मीडियम में होना चाहिए, हाई में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर तक नहीं पकेगा, बाहर से जल जाएगा और जब हम इसको मिठाई बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अंदर तक पकेगा ही नहीं। तो हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम रखिए। और इसको तुरंत डालने के बाद इसके ऊपर ना तुरंत ही चम्मच या फिर कोई भी किसी की मदद से इसे टच ना करें। जब ये नीचे से हल्का सा ब्राउन हो जाए तब इसको पलटिए, फिर जो दूसरा साइड हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इसको उलट पुलट उलट पुलट कर जब तक ये डीप ब्राउन कलर दोनों साइड से नहीं हो जाता है हमें तब तक के लिए पकाना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, इजी है, तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 कप दूध ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 स्पून मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 1 पिंच नमक डाल दीजिए, क्योंकि हर मिठाई में 1 पिंच नमक डालने से उसका स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ कुटी हुई 4 से 5 इलायची को लिया है, जिसे कि स्वाद और भी बढ़ जाए। फिर मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर लिया है, आप चाहें तो शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। फिर हमने जो गरम गरम छेना के बॉल्स को बना के रखे थे उसको डाल देंगे। जब आप छेना को फ्राई कर रहे हैं उसी टाइम ही आप ये दूध को बना लीजिए, ताकि हमारा छेना बॉल्स गरम गरम होंगे तो फिर ये दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूध और छेना के बॉल्स को 1 से 2 मिनट तक पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं। फिर इसको ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और ये अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।